इस साल लॉन्च हुआ 35,000 का वन प्लस 12R, या फिर लास्ट ईयर का प्राइस ड्रॉप के बाद प्राइस आया 35,000 नथिंग फोन 2। कौन सा फोन 35,000 वर्थ रखता है, इस वीडियो के अंदर पता लगाते हैं। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शुरू करते हैं। नथिंग फोन 2 सही में एक स्टाइलिश डिजाइन है और बहुत स्टैंड आउट होता है, और मार्केट के अंदर जो चल रहे हैं फोन उन जैसा ये बिल्कुल भी नहीं फील होता। वन प्लस 12R एक सिंपल सा डिजाइन ऑफर करता है, मेरे को काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगता। दोनों के अंदर बीच में एल्यूमिनियम आपको मिलता है और फ्रंट बैक के अंदर ग्लास मिलता है। ड्यूरेबिलिटी दोनों फोन के अंदर अच्छी है। दोनों फोन का वेट 200 ग्राम का है। कंफर्ट के मामले में 12R ज्यादा बेटर है, क्योंकि एजिस कॉर्नर थोड़े से राउंडेड है और मेरे को काइंड ऑफ फ्लैट एजिस अच्छी लगती है, आईफोन की तरह प्रीमियम सा फील होता है। ये गोल से सारे ही फोन आते हैं, और मैं बिना कवर के यूज करता हूँ तो मेरे को ये वाला डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है। दोनों के अंदर वाटरप्रूफिंग की रेटिंग दे रखी है, IP54 आपको नथिंग फोन 2 के अंदर मिलती है और 64 आपको मिलती है वन प्लस 12R के अंदर। दोनों की डिस्प्ले 6.7 इंच की है, वन प्लस 12R की 6.78 है। दोनों ही डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की है। आपको QHD रेजोल्यूशंस मिलते हैं 12R के अंदर और 1080 मिलते हैं नथिंग फोन 2 के अंदर। नथिंग फोन 2 के अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है, जो काइंड ऑफ मैं इनटू हूं, और आप शायद कर्व डिस्प्ले है जो 12R की उसके अंदर हो, और हल्की सी कर्व है, बिल्कुल सेटल्ड सी है, प्रीमियम दिखती है सही में। बेजल्स दोनों ही फोन के अंदर बिल्कुल मिनिमम मिलते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करो तो 1600 नीट्स की नथिंग फोन 2 की डिस्प्ले है और 4500 नीट्स की डिस्प्ले आती है वन प्लस 12R की, और दोनों फोन के अंदर बिल्कुल भी कलर शिफ्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत प्रीमियम हाई क्लास डिस्प्ले दोनों फोन्स की है। दोनों ही फोन्स के अंदर फेस अनलॉक मिलता है, फिंगरप्रिंट की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अगर किसी को लगानी है फिंगरप्रिंट तो नथिंग फोन 2 की थोड़ी सी डाउन है प्लेसमेंट, और वन प्लस 12R की अच्छी है प्लेसमेंट। वैसे दोनों ही रिस्पॉन्सिव है, दोनों ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। और हैप्टिक्स मेरे को नथिंग फोन की ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सॉफ्टवेयर के साथ ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी कर रखी है, और अलग से सेटिंग्स के अंदर फंक्शंस भी हैं जो कि हैप्टिक्स के साथ कंट्रोल होते हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड हैप्टिक है वन प्लस 12R के अंदर भी बहुत बढ़िया है। और दोनों के अंदर ड्यूल फायरिंग स्पीकर है, बहुत तेज आवाज है, और आप बता भी नहीं सकते कौन से की कम ज्यादा है। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं। नथिंग फोन 2 के अंदर 3 साल की अपडेट मिली थी, एंड्रॉइड 13 पे लॉन्च हुआ था, 14 आ रही है, अब सिर्फ 2 ही लेफ्ट है। और वन प्लस 12R के अंदर 4 साल की अपडेट का प्रॉमिस हुआ है और चारों की चारों पड़ी है, एंड्रॉइड 14 के साथ ही आया है। नथिंग के अंदर आपको नथिंग OS 2.5 मिलता है, और वन प्लस 12 के अंदर आपको ऑक्सीजन OS मिलता है। और बग फिक्सेस की बात की जाए तो दोनों फोन्स के अंदर क्विक अपडेट्स आती है, हर महीने के सिक्योरिटी पैचेस, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत फिक्स करने की कोशिश करी जाती है। बैक एंड के अंदर जो टीम बैठी है बहुत ध्यान रखती है। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको नथिंग फोन 2 के अंदर थोड़े ज्यादा मिलते हैं, और ये विजिट्स बड़े करने का ऑप्शन भी मिलता है, ये काइंड ऑफ मेरे को अच्छा लगता है। थीम्स वगैरह सेट करने के, आइकन चेंज पैक वगैरह, और फोन्स दोनों फोन्स के अंदर ही ऑप्शंस मिलते हैं। नथिंग फोन के अंदर आपको ये ग्लिफ इंटरफेस मिलता है बैक के अंदर। दोनों फोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन 8 सीरीज के प्रोसेसर है, 8 Gen 1 मिलता है आपको नथिंग 2 के अंदर, और 12R के अंदर 8 Gen 2 मिलता है। थोड़ा सा गैप इन दोनों प्रोसेसर के अंदर है, और परफॉर्मेंस के अंदर भी फर्क आपको मिल जाता है, क्योंकि अगर आप हैवी गेम करते हो 8 Gen 1 के अंदर आपको बैटल ग्राउंड के अंदर स्मूथ एक्सट्रीम की सेटिंग मिलती है और 90 फ्रेम्स मिसिंग है, बट आप 12R के अंदर 8 Gen 2 के चिपसेट के साथ आप स्मूथ एक्सट्रीम प्लस की सेटिंग जो कि 90 फ्रेम पे चलती है वो प्ले कर सकते हो, और गेम प्ले आपको बढ़िया मिलता है। और साथ में हीटिंग भी जो 8 Gen 2 की चिप है ना उसके अंदर ज्यादा रिजोल्व कर रखी है, आपको बिल्कुल नहीं मिलती, और नथिंग फोन 1 आधे घंटे के बाद हल्का सा वार्म आपको फील कर सकता है। UFS 3.0 मिलती है नथिंग फोन 2 के अंदर, और 3.1 मिलती है 12R के अंदर। दोनों फोन्स के अंदर ऐप चलाने के अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं मिलेगा, आपको बैक एंड के अंदर भी ऐप्स एज इट इज पड़ी रहती हैं, स्क्रॉलिंग में भी मजा आने वाला है आपको, सारी ऐप्स बढ़िया ढंग से रिस्पॉन्सिव काम करती है, बिल्कुल भी लैग आपको किसी भी ऐप के अंदर नहीं मिलेगा। 8 सीरीज के प्रोसेसर बिल्कुल स्लो नहीं होते, 1-2 साल के अंदर आप लॉन्ग टर्म 3-4 साल तक आराम से चला सकते हैं। दोनों फोन्स 2 फिजिकल SIM को सपोर्ट करते हैं, ई सिम नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग आपको नथिंग 2 के अंदर नहीं मिलती है, मिलती तो आपको 12R के अंदर भी नहीं है, बट ओ डायलर डाल के आप कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल कर सकते हो। 5G के 19 बैंड मिलते हैं आपको नथिंग फोन 2 के अंदर, और 15 आपको मिलते हैं 12R के अंदर। बैटरी आपको 4700mAh की नथिंग फोन 2 के अंदर मिलती है, और 5500mAh की आपको मिलती है 12R के अंदर। चार्जिंग स्पीड में फर्क है थोड़ा सा, आपको 12R के अंदर 100 वोट मिलती है जो कि आधे घंटे में बैटरी फुल कर देती है, और लगभग 1 घंटे के आसपास का समय ले लेता है आपका नथिंग फोन 2 45 वोट के साथ, और चार्जर भी बॉक्स के अंदर नहीं आता। वन प्लस 12R का तो
चार्जर भी बॉक्स के अंदर है, साथ में 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है नथिंग फोन में, और 12 आर में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। 5+ घंटे स्क्रीन ऑन टाइम आपको नथिंग फोन 2 के अंदर मिलता है, और 6.5 घंटे प्लस स्क्रीन ऑन टाइम आपको 12 आर के अंदर मिल जाता है। 1 डे का बैटरी बैकअप मिलता है नथिंग फोन 2 के अंदर, और अबव 1 डे मिलता है आपको 12 आर के अंदर। अगर 1 डे का बैटरी बैकअप चाहिए तो नथिंग फोन या 12 आर कोई भी, अगर 1 दिन से भी ज्यादा मतलब बिल्कुल ही आलसी हो, 1.5 दिन का बैटरी बैकअप 12 आर के अंदर आराम से ले सकते हो। कैमरास के अंदर अलग अलग हिसाब किताब डाला गया है, आपको दोनों ही प्रीमियम लेंस मिलते हैं नथिंग फोन 2 के अंदर, और जो 12 आर है उसके अंदर थोड़े से रिड्यूसिंग लेंस मिलते हैं, जैसे कि एक 50 मेगापिक्सल का ये मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। इस मैक्रो की वजह से तो इसने सेटअप की ही ऐसी तैसी कर दी। जो नथिंग फोन 2 है वो आईफोन काइंड ऑफ फोटोज देता है, थोड़ी सी वॉर्म टोन और थोड़ी सी ऐसी देता है कि भाई हाँ ठीक है, सीधा इंस्टाग्राम पे लगाओ ना भाई। डिटेलिंग के अंदर 12 आर भी बिल्कुल सही है। अल्ट्रा वाइड आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है नथिंग फोन 2 के अंदर, और 8 का आपको 12 आर के अंदर, तो डिटेलिंग थोड़ी सी ज्यादा पिक्सल की वजह से नथिंग फोन 2 के अंदर मिलेगी, और मेरे को जो कलर साइज है वो नथिंग फोन 2 की ज्यादा बेटर लगी। बाकी टेलीफोटो ऑप्टिकल है दोनों फोन्स के अंदर, लेंस का कोई सपोर्ट नहीं है, क्रॉप शॉट के हिसाब से डिटेलिंग लूज करके किसी में भी खींच सकते हो। नाइट मोड के अंदर मेरे को ज्यादा बेटर लगा 12 आर, थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा निकालता है कम ब्राइटनेस के अंदर भी, और नथिंग फोन बिल्कुल ठीक है, हल्के से कलर देते हो तो बहुत बढ़िया शॉट ये नाइट के अंदर भी ले लेता है। सेल्फी काम चलाऊ दोनों ही लेते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है दोनों फोन्स के अंदर। सेल्फी कैमरा से अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो आपको दोनों फोन्स के अंदर 1080 का ही सपोर्ट मिलता है, 60 फ्रेम आप नथिंग फोन 2 के अंदर कर सकते हो, और 12 आर के अंदर सिर्फ 30 फ्रेम का सपोर्ट है। और कलर साइंस मेरे को जो नथिंग फोन की है वो बहुत बढ़िया लगी, आईफोन काइंड ऑफ है, वीडियो के अंदर तो ये बहुत प्यारा बीट करता है 12 आर को। वीडियो का अगर किसी का प्रेफरेंस है तो भाई जरूर नथिंग फोन को ही चेकआउट करना। बैक कैमरा के अंदर भी जो कलर साइंस है वो मेरे को नथिंग फोन की ज्यादा बेटर लगी। अगर आप नथिंग फोन 2 को बाय करने जाते हो तो 128 GB फ्लिपकार्ट के ऊपर 34,000 का, 256 35,000 का, और 39,000 का 512 GB तक मिल जाता है। वहीं वन प्लस 12 आर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 128 GB तो 36,000 का ही है, बट अगर 256 GB पे जाते हो तो आपको 43,000 का मिलता है। तो प्राइस के अंदर नथिंग फोन थोड़ा ठीक रहता है, और यूज्ड मार्केट में नथिंग फोन 2 28,000 से स्टार्ट हो जाता है 128 GB का, और 32,000 से आपको 12 आर मिलता है। अगर कोई सा भी फोन आपको बाय करना है तो कमेंट में नंबर डाल दूंगा मैं, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, ट्रस्टेड बंदा है और ऑल इंडिया डिलीवरी एनेबल है। कंक्लूजन की बात की जाए तो डिजाइन के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है नथिंग फोन 2 बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करता है, और डिस्प्ले भी दोनों की अच्छी है, मेरे को फ्लैट पैनल पसंद है। परफॉर्मेंस के मामले में आपको 12 आर ज्यादा बेटर मिलता है, थोड़ी लंबी अपडेट आपको 12 आर के अंदर आएगी। कैमरा के अंदर ऑब्वियस सी बात है मेरे को नथिंग फोन 2 ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा। 1 डे का बैटरी बैकअप तो दोनों फोन्स का है, मोर देन 1 डे चाहिए तो 12 आर बढ़िया ऑप्शन है। 12 आर एक ऑल अराउंड फोन है, सब कुछ सही दे रखा है, थोड़ा सा प्रीमियम वाली फील चाहिए, थोड़ा सा यूनिक फोन चाहिए, और सब कुछ बढ़िया चाहिए तो नथिंग फोन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।